हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं नरेश रोयल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हर्ष किसान यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल पर पत्तों को काटने वाले कीटों की हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और यदि आपकी भिंडी की फसल पर रस चूसने वालों कीटों का प्रकोप है या फिर पीलापन है यानी सेमी लूपर्स का प्रकोप है, तो आप किस प्रकार इन सब पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए 100% सटीक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, काफ़ी दिन से हमारे किसान भाइयों की कमेंट्स आ रही हैं कि भिंडी की फसल पर पत्तों को काटने वाले कीटों का प्रकोप है, तो हमको क्या स्प्रे करना है। तो इमावैक्टिन बेंजोएट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें यदि आपकी भिंडी की फसल शुरुआती चरणों पर है और पत्तों को काटने वाले कीटों का प्रकोप है यानी सेमी लूपर्स का प्रकोप है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इमावैक्टिन बेंजोएट 5% SG इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। आपको 15 लीटर पानी में 8 से 10 ग्राम की दर से स्प्रे करना है। इसके अलावा अगर आप एफिड जैसे रस चूसक जैसे कीटों का प्रकोप है, तो आप UPL कंपनी के उलाला इंसेक्टिसाइड को 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। आपको पीलापन दूर करना है यानी आपकी भिंडी की फसल पर पीलापन आ गया है, आप दूर करना चाहते हैं, तो आप NPK 19:19 का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 4 ग्राम यानी 15 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। हमारे हिसाब से यदि आप स्प्रे कर रहे हैं ये, तो आप पत्तियों को काटने वाले कीटों का प्रकोप है, तो आप सबसे पहले इमावैक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें और फिर 7 से 8 दिन के बाद रस चूसक कीटों एवं पीलापन दूर करने के लिए उलाला इंसेक्टिसाइड एवं NPK 19:19 दोनों को मिलाकर एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों।